ये तो सिर्फ हमने सुना और पढ़ा ना कि आज दिन ऐसा होगा या ग्रह ऐसे हैं तो ऐसे चैलेंजेज़ आ सकते हैं या जैसे आपने कहा नंबर्स अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है कि आपकी आपस में नहीं बनती है ये तो सब पॉसिबिलिटीज़ है लेकिन फैक्चुअल भी हो सकता है कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं रिश्तों में भी कुछ ठीक नहीं है सेहत भी कुछ ठीक नहीं है तो वन इज़ पॉसिबिलिटीज़ Hmm. जो सुनी और पढ़ी वन इज फैक्चुअल जो अभी हो रहा है लेकिन सब कुछ में होते हुए भी hmm. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स द प्योरेस्ट रिस्पॉन्स द मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जिसमें मेरी स्थिति के लिए बेनिफिशियल है औरों की स्थिति के लिए बेनिफिशियल है वो मेरा एक्यूरेट रिस्पॉन्स वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इवन इफ आई एम इन अ क्राइसिस प्रशन हमें ये ही बताएगी ना कि क्राइसिस हो सकता है hmm. तो हो सकता है वर्तमान समय हो भी रहा होगा कि क्राइसिस है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ज्यादातर हम क्या कहते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइसिस को ठीक करना नहीं सिस्टर यहाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में तकलीफ आ रही है कि जब मेरे ग्रह ऐसे हैं मैं पैदा ही ऐसी डेट पे हुआ था तो इसमें तो मेरी क्या गलती है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल सारी साइंसेज जो हैं ये सारी साइंसेस हैं ना जो आपने बताई ये सब एनर्जीज़ है ये साइंस है ये वर्क करती है लेकिन हर एनर्जी एक लेवल की है कि इसका प्रभाव कितना है और एक है आत्मा की एनर्जी जब मैं आत्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती Hmm. अपने मन की स्थिति की और मैं कहती हूँ कि दिस इज़ हाउ आई एम बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड वो आउटसाइड कैन बी परिस्थिति वो आउटसाइड कैन बी किसी का संस्कार वो आउटसाइड कैन बी द प्लैनेट्स कुछ भी तो तब आई एम सेइंग टू माई सेल्फ कि इन सब का मुझ पर प्रभाव पड़ना इज़ नेचुरल कि जिस डेट में मैं पैदा हुई मतलब प्लैनेट्स की तो मूवमेंट की बात है ना सारी तो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ना आई से इज नेचुरल द मिनट आई नेचुरल आई अलाउ इट टू इन्फ्लुएंस मी यहाँ तक मुझे डिस्टर्ब कर दिया कि ये लोनेटिक वर्ड कहाँ से आया लोनार से आया मून से जब समंदर की वेव्स हिलती हैं तो प्लैनेट और मून से तो आपका दिमाग भी हिल जाता है राइट right. सो so, जो आपका गुस्सा आना इज नॉर्मल ओके अभी इसी एक एग्जांपल को लेते हैं इट इज साइंटिफिक देर इज एनर्जी लेकिन क्या उस दिन या उस क्षण सबके मन पर वही प्रभाव पड़ता है आई हैव नो आइडिया वो तो लिखा हुआ है किताब में और प्रैक्टिकल में देख सकते हैं ना क्या उस दिन पर उस क्षण पर सबके मन पर सेम प्रभाव पड़ता है पढ़ना तो चाहिए फिर उस पर वो पड़ता तो नहीं है ना किसी पर कम किसी पर ज्यादा किसी पर बिल्कुल नहीं डिपेंडिंग hmm. ऑन हम कहा है स्टेबिलिटी इन स्ट्रेंथ ऑफ माई माइंड स्ट्रेंथ ऑफ माई माइंड नेचुरली इट्स लाइक अ गेम बिटवीन टू एनर्जीज ओके इट्स अ गेम बिटवीन टू एनर्जीज कौन किस पर प्रभाव डालेगा कौन किसके प्रभाव में आएगा कौन ज़्यादा पावरफुल है जब मैं आत्मा इतनी कमज़ोर होती हूँ कि मैं कहती हूँ इनकी एक बात से मैं डिस्टर्ब इस एक सिचुएशन से मैं डिस्टर्ब ऐसे जब मेरी स्थिति होती है मतलब बाहर की एनर्जी मुझ पर बहुत इजीली प्रभाव डालती है तो फिर ग्रहों की एनर्जी भी तो बट ये जो किताब है या मैगज़ीन्स है वो भी तो मुझ पर प्रभाव डाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन वो, वो मुझ पर हावी क्यों हो रही है मैं उनसे क्यों झुक रहा हूँ मैं क्यों उसको मान रहा हूँ मैं क्यों नहीं कहता रबिश मेरा कुछ नहीं कर सकती है आई एम गुड फाइट इट लिखा भी है तो क्या हुआ क्योंकि वो एक लाइन पढ़कर एक्सेप्ट करने से हमें जिम्मेवार नहीं लेनी पड़ती That means I don't Don't want to do it. Don't you see even in a workplace? अब, अब आप दस लोगों की जिम्मेवारी लेने के तरीके को देखिए स्टाफ hmm. है ना hmm. हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका कैसा है काम के प्रति कुछ लोग बिना बोले सब कुछ कर देते हैं है ना तो आप क्या कहेंगे ये बड़ा जिम्मेवार है अपने आप ही कर देता है सब कुछ इसको तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता दूसरा होता है उसको जो बोलो वो वो कर देता है तो उसको भी हम जिम्मेवार कहेंगे तीसरा होता है बोलो फिर वो भूल जाता है फिर उसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि उसने किया या नहीं किया याद भी दिलाना पड़ता है दो चार बार बोलने के बाद वो कर देता है चौथा होगा बोलने के बाद भी पूरी तरह से नहीं करके कोई बहाना बना देता है कि मैंने क्यों नहीं किया इज़ दैट देयर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑलवेज इसका मतलब काम के प्रति चार लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग अलग होगा hmm. होगा ऑलवेज करेक्ट हम अपने सिर्फ बच्चों के अंदर देख लें चलो स्टाफ भी छोड़ते हैं अभी अपने बच्चे जो हमारे घर में हमारे संस्कारों के प्रभाव में वातावरण में पले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका हर आत्मा का अलग होगा एक स्कूल में एक क्लास में जितने 25 स्टूडेंट हैं हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होता है अलग होगा जब काम के प्रति हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होगा ऐसे ही अपने मन के प्रति भी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होगा कोई कहेगा ये ये रीज़न था तो मुझे ऐसा होना ही था जब हम ऐसा कर रहे हैं देन वी आर लाइक दैट स्टाफ मेंबर जिसने कहा ऐसी, ऐसी ऐसी बात थी तो मैं काम नहीं कर पाया अपना तो हम वो बहाने वाले स्टाफ मेंबर की तरह हैं जिसने बहाना देकर अपनी जिम्मेवारी को नहीं उठाया अपना काम पूरा नहीं किया लेकिन आज जब हमें अवेयरनेस है कि हम कर सकते हैं तो हम उस स्टाफ मेंबर की तरह हो जाएं जो बिना कहे अपना ध्यान रखना शुरू कर दे उसको बार बार याद नहीं दिलाना पड़े करेक्ट कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब चाहे हम कुछ भी पढ़ें जैसे ही आप कुछ ऐसा पढ़ें द फर्स्ट थाट दैट शुड कम टू माई माइंड इज ओके बाहर ये सब है तो उससे क्या हो रहा है मुझे कैसा सोचना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी चॉइस मेरी पावर है वेरी थिन लाइन बिटवीन गोइंग टू बिकमिंग अ विक्टिम एंड बिकमिंग अ मास्टर किसी भी बहाने का किसी भी बहाने का विक्टिम नहीं बना खुद मैनिपुलेट करते हैं हम लोग लगता है मुझे तो विक्टिम बन रहे हैं ना सपोज अभी यहाँ कुछ ऐसा है वो किसी ने कहा अभी ऐसा है ना इसलिए शूटिंग नहीं हो सकती विक्टिम और दूसरा आया उसने कहा तो क्या हुआ ऐसा है चलो ऐसे 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 करते अभी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक परिस्थिति का विक्टिम बना गुलाम दूसरा परिस्थिति का मालिक बना मास्टर एक के ऊपर परिस्थिति हावी हुई दूसरा परिस्थिति के ऊपर हावी हुआ किसी ने बोला मुझे कि पहली लाइन पढ़ के आधा समझ के नानक दुखिया सब संसार अरे इतने बड़े गुरुजी ने बोला है सब दुखिया है बोला तू तो दूसरी लाइन तो नीचे वाली पढ़ता आ, नहीं so, सुखी है भैया जैसे नाम लिया आधा तो आधा सुन के ये, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम वही चुन लेते हैं जो हमको चाहिए या एक्चुअली हम हमारी बैड लक है कि वो हमको नॉलेज चुनते नो no, जो वीक है जो जिसको हम दुनिया की भाषा में कहेंगे काम चोर है शर्किंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेवार से भागता है वो काम चोर कहते हैं उसको वो वीक है तो वो हर बार कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेगा आज ऐसा था ना इसलिए नहीं हुआ सर आज पानी ही नहीं आया तो मैं कैसे काम करता आज तो मैंने सुबह से डिसाइड किया था करने का लेकिन आज ऐसा हो गया तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा अब वो वीक है बहाने ढूंढता जा रहा है तो उसकी वीकनेस क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी ना So or उसकी घटती जाएगी ताकत बढ़ती जाएगी लेकिन आ, प्रभाव वाली बात वहीं रह गई hmm. कि प्रभावित हो जाते हैं जैसे चाचा ने कुछ बोला पिता ने बोला डैडी ने बोला कि देखो बेटा मंगल को ये नहीं करना ये तो इतना ज्यादा वो आदमी के अंदर ही आ जाता है ना माइंड में एक बिलीफ और फेथ आउट ऑफ लव आउट ऑफ रिस्पेक्ट आउट ऑफ फियर अच्छा दिस इज फियर दिस इज नॉट आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दिस इज आउट ऑफ फियर आउट ऑफ फीयर दैरी थिंग लाइन वो चेक करने हैं कि जब भी हम कुछ सुनते हैं और उसके ऊपर बिना सोचे चेक करे उसको मान कर उस अनुसार जीवन जीने लगते हैं इट्स मॉट आउट ऑफ फीयर वी फीयर द आउटकम वॉट विल हैपन हम डरते हैं उसकी जिम्मेवारी लेने से कि क्यों करना फिर कुछ गलत हो फिर इससे अच्छा उन्होंने बोला है ऐसे नहीं करना तो नहीं करते जब हम जब लड़का लड़की किसी से एक दूसरे को चाहते हैं तब कोई डेट वेट तो देखते नहीं समय देखते नहीं ना कुंडली देखते है right. तब सब कुछ होने के बाद रेडी होने के बाद मन में एग्री भी हो जाता है, लेट्स स्पेंड द लाइफ टुगेदर शादी करते हैं। right. उसके बाद फिर इतना फियर कि डेट देखो ये देखो वो अगर वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती भी है चॉइस कि या तो हम उसको सकम्प कर जाते हैं और कहते हैं हो अगर ये ठीक नहीं है तो ये रिश्ता ठीक नहीं होगा ऐसा हम कहते हैं या हम कह सकते हैं ये इतना थोड़ा सा ठीक नहीं है ना हम तो ठीक है वॉट अबाउट वो सारी शादियाँ जो जिसमें सब कुछ मैच कर रहा था अच्छे से सही बात सब कुछ परफेक्ट मैचिंग था इन टर्म्स ऑफ सारी जो चेकिंग की जाती है सब कुछ मैचिंग था दिन अच्छा था टाइम अच्छा था जो चेक करना है सब कुछ शुभ से भी शुभ था तो फिर आज वो शादी क्यों नहीं निभी? मैं इसलिए कह रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहा था आफ्टर मैरिज फिर बोलते हैं ये लोग कि देखा पंडित ने बोला था ऐसा कुंडली में था कि इतने पता नहीं कुछ बोलते हैं वर्ड्स ये कितने गुण मिलते हैं क्या नहीं मिलते आई डोंट नो कुंडली में है कि इतने गुण मिलते हैं परफेक्ट दैट इज परफेक्ट बट व्हाट डज इट मीन कि अभी इस क्षण अभी इस क्षण इस आत्मा के और इस आत्मा के इतने गुण मिलते हैं इस क्षण नॉट लाइफ लॉन्ग नॉट लाइफ लॉन्ग इट इज एन एक्सरे ऑफ टू सोल्स एट दैट मोमेंट इट इज नॉट एन एक्सरे ऑफ टू सोल्स ऑफ लाइफ इट कैन हैपन कि आगे आने वाली जर्नी पर वो आत्माएं अपनी शक्तियों को बढ़ाती हैं अपने अंदर के गुणों को बढ़ाती हैं अपने संस्कारों को बदलती हैं तो उनके ज्यादा गुण मैच नहीं करेंगे कुंडली में यहाँ आपको बोला है कौशन हाँ। कि भाई आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना हाँ। आप इस पर ये करना आपके ये अच्छे गुण है हाँ। ये अच्छे वाले संस्कार है और ये थोड़े से कमजोर वाले हैं तो इधर संभालना राइट ये छोड़ के मैं तो हूँ ही ऐसा सब तो मतलब विक्टिम ना विक्टिम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी अगर हमें ये पता भी है कि हमारे ये ये संस्कार मिलते हैं और कुछ एक संस्कार ऐसे हैं जो अभी नहीं मिलते हैं दैट प्रडिक्शन इज राइट दैट्स वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स राइट बट इट्स ओनली अस आर प्रेजेंट स्टेटस बट साथ में हमें ये भी तो पता है कि वो जो संस्कार जो अभी नहीं मिलते हैं उस पर वर्क भी तो किया जा सकता है ना वो संस्कार परमानेंट थोड़ी है कोई संस्कार नहीं है कोई संस्कार ये मुझे किसी आत्मा अच्छा परमानेंट कोई नहीं संस्कार परमानेंट नहीं है और पता नहीं मैं इसलिए आपसे ये सब्जेक्ट छेड़ा क्योंकि मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे घर में Uh, बच्चे हैं छोटे छोटे दो दो साल के बच्चों के लिए भी अगर पंडित बोलता है कि ये बड़ा स्कूल में नोटी करेगा लेकिन ब्लेम इस पे आएगा ये ऊपर से बोला है और ये और वो एग्जैक्ट वर्ड्स हमारी फैमिली के मेम्बर्स बोलते हैं वाई डू दे नॉट हैव ओन दिस जजमेंट हैजमेंट यहाँ मुझे बुरा लग रहा है okay, इसमें भी मुझे जैसे अच्छा। लोगों ने लोग बन ही नहीं सकता या चकल देख जाके तो कर लिया ना तो मैंने बोला मैं देखता हूँ ना एक तो लोगों ने बोला कि आप एक्टर नहीं बन सकते सपोज किसी ने कुंडली देखकर बोला होता कि आप एक्टर नहीं बन सकते तो आप क्या करते उस दिन मैं तो मानता ही नहीं था। सपोज आपको किसी ने बोला होता कि आपके हॉरोस्कोप में है ही नहीं एक्टर तो मैं उसको बनना। पूछता क्या दोष है क्या, क्या तकलीफ है मैं आज वो हर्डल क्रॉस करूंगा नहीं, कोई हर्डल नहीं है आपके इसमें है ही नहीं कि आप एक्टर बनेंगे मैंने बोला मैं फाइट करूंगा किससे फाइट कर रहे हैं मैं अपनी बनाऊंगा बनूंगा मेहनत करूंगा लाइक like like कितनी बार मुझे लोग बोला आपकी वाइफ इसमें हमने क्या किया एनर्जीज है प्रडिक्शन है इंफॉर्मेशन है परिस्थिति है हमने अपनी मन की स्थिति को उसके ऊपर लिया यही तो खेल चल रहा है सारा दिन कौन किसके ऊपर हावी होता है अगर अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी ली तो हम परिस्थिति पर हावी हो जाएंगे अगर कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूं तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएगी जैसे ही परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो गई आत्मा की स्थिति की डिक्लाइन है जैसे ही आत्मा परिस्थिति के ऊपर हावी हो गई आत्मा की उन्नति है इट इज वेरी सिंपल इवन इफ यू आर जस्ट हियर सपोज बैटरी इज फिफ़्टी परसेंट चार्ज्ड ओके नॉट वेरी पावरफुल सो जस्ट फिफ्टी परसेंट एवरेज चार्ज परिस्थिति आई इन्फॉर्मेशन ऐसी वाली कोई आई जिस आत्मा ने कहा क्या करूँ बात ही ऐसी है देखो क्या बोल रहे हैं सारे और फिर मेरे हॉरोस्कोप में भी लिखा और ये भी तो वो आत्मा ने क्या किया परिस्थिति उसके ऊपर हावी हुई तो अपनी पावर को नहीं यूज़ किया अपनी संस्कारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली वो आत्मा आज 50 पर है धीरे धीरे वो क्या होने वाली है क्योंकि वो जब आज परिस्थिति को हावी होने दे रही है वो कल भी हावी होने देगी वो परसों भी हावी होने देगी परिस्थिति को हावी होने देने का उसका संस्कार है तो धीरे धीरे बैटरी क्या होती जाएगी डिक्लाइन अब अगर आज बैटरी 50 है ये सारे चैलेंजेस हैं सामने और वो कहे कोई बात नहीं लेट मी डू माई बेस्ट है ना इशूज सारे बाहर ये सब ठीक है बट लेट मी डू माई बेस्ट तो वो आज 50 से 55 पर जाएगी कल वो उसका संस्कार सेम वर्क करेगा कि ठीक है सब कुछ गलत है बाहर लेट मी डू माई बेस्ट इन दिस सिचुएशन वो 55 से 60 पर जाएगी चॉइस है मालिक वाली जीवन मास्टर

और उस आत्मा के पास कनेक्शन है उससे भी ऊंची शक्ति का वो है परमात्मा की शक्ति जब परमात्मा की शक्ति और आत्मा की शक्ति कंबाइन होकर किसी परिस्थिति को फेस करेगी हुँ. तो ये सब क्या चीज है तब हाइएस्ट सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम है सोल पावर इज ऑल्सो वेरी हाई वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट सोल पावर आत्मा के अंदर बहुत शक्ति है एंड फिर साथ में अगर वो परमात्मा की शक्ति को ले ले तो वो असंभव को संभव कर देगी तो वी हैव अ चॉइस हम चाहें हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें तो हम पॉसिबल चीज़ों को भी इम्पॉसिबल कर देते हैं सामने सल्यूशन है सामने बातें ठीक हो सकती हैं संस्कार सामने दिख रहे हैं कि ये ठीक हो सकते हैं नहीं हमारा नहीं हो सकता हमारे पास जब कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए कुछ ऐसे आते हैं जिनके बीच में कोई मतलब बैठो एक दो घंटा भी उनके साथ तो कोई इशू ही नहीं निकलता कि इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है वॉट इज़ द इशू नहीं बस ऐसे छोटी सी बात ऐसे छोटा सा ऐसे वो उस छोटी सी बात के लिए भी अलग होना चाहेंगे मतलब उन्होंने क्या किया है वो छोटी छोटी बातों को भी क्या कर दिया अपने रिश्ते के ऊपर अपनी स्थिति पर हावी कर दिया है खुद ही अंदर से कुछ दुखी होंगे खुद ही अंदर कमजोर होंगे उनको वो छोटी चीज बहुत बड़ी लगती है क्योंकि खुद वीक हो गए है ना तो खुद वीक सपोज खुद वीक है हुँ. अभी है और वो छोटी चीज को देख कर क्या कर रहे हैं उसको बड़ा लग रहा है क्योंकि हम वीक हैं लेकिन इस स्टेप पर अगर हमने छोटी चीज को देखकर अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी नहीं उठाई तो कल हम आज से भी ज्यादा वीक होंगे ये होगा और आज अगर हम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करें कुछ करना नहीं है अभी देर इज नो मैजिक दैट वी नीड टू डू जस्ट वन थॉट जस्ट वन थॉट कि ये परिस्थिति ठीक नहीं है लेकिन इस परिस्थिति में इस रिश्ते में मैं अपनी मन की स्थिति को सिर्फ ठीक करके इस क्षण राइट थॉट क्या है मेरे लिए मैं उसको क्रिएट कर लूँ परिस्थिति सल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देगी नहीं तो परिस्थिति सिर्फ प्रॉब्लम में और ही फंसती जाएगी इट्स वन थॉट या तो मैं सिचुएशन का गुलाम या सिचुएशन मेरी गुलाम दोनों में कितना फर्क पड़ जाएगा विल ईदर गो टू वर्ड्स द सल्यूशन और विल गो टू वर्ड्स द प्रॉब्लम सो दैट वन थॉट दैट टाइम इज ओनली अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्टेट ऑफ बींग आज हम बहुत जल्दी अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार सब चीजों को ठहरा देते हैं वो एक थॉट हमें गुलामी की तरफ लेकर जाती है और फिर हम बहुत इजीली कहते Not हैं आल्सो कई बार रॉन्ग समझ लेते हैं hmm. मेरे मदर से मैंने पूछा था ये ताड़ना का मीनिंग क्या होता है क्यों हाउ कैन बी सच बिग राइटर से कि uh, जानवर को और अपने घर की बहनों को ताड़ना है मतलब उन्होंने किसी ने मुझे बोला पीटना है तो मैंने बोला कौन बड़ा इतना संत बोल सकता है कि पीटो तो मेरी माने वाला पुत्र मत तो ताड़ी और नजर रखी होए कहीं भैंस इधर उधर न चली जाए मतलब ध्यान देना उनकी केयर करना टू टेक केयर अब वो ताड़ना उसले लिख दिया कि मारो तो यहां भी जो आप कह रहे थे ना बात हम कैसे समझते हैं उसको परसेप्शन नजरिया लिखा लिखने वाले ने कुछ yes. बोला बोलने वाले ने कुछ पढ़ा yes. पढ़ने वाले ने कुछ और फिर मैंने सम्जा? सुना और मैंने सोचा वही चीज जो आज चालीस साल पहले मैंने सुनी yes. थी yes. उसको और आज वही सुनता हूँ फिर मुझे डिफरेंट लगता है डिपेंड्स ऑन द मन की स्थिति मन की स्थिति भी कहाँ पर है आत्मा की शक्ति भी कहाँ पर है हमारा परसेप्शन इंटरप्रिटेशन सब बदल जाएगा तो कितना अंतर है ये ऑल ऑल इज हियर तो ये बीज है हमारा हमें आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में ये बहुत क्लैरिटी रखनी है कि एक्चुअली मुझ आत्मा की सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है इतनी सारी जो बाकी जिम्मेवार की लिस्ट हमने बनाई है वो अपने आप हो जाएंगे मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये कुंडली वाला ऐसा है ये हाथ देखने वाला ऐसा है किताबों में ऐसा लिखा है लोग ऐसे करते हैं दे शुड बी रेस्पॉसिबल दे शुड नॉट स्पीक नाउ मैं सोच रहा था कि अबाउट वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी द वे आई बिहेव एट होम वो जो बच्चों के बारे में जैसे मैं बोलूंगा जैसे मैं बात करूंगा क्योंकि दो ढाई साल का बच्चा है उस दिन ढाई लाओ मेरी आवाज में बोल दिया उसने <laughs> हाँ हा, हा, <laughs> कॉपी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इतनी अच्छी बात आई बात करते करते कि हाउ आई बिहेव थिंक टॉक वर्क एंड रेडिएट रेडिएट माई वाइब्रेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है दैट कैन किल दो पीपल्स जो उन्होंने किया है। नहीं उनकी जो थॉट्स है वो राइट है अगेन लोग उन्होंने बताया है ना कि ये बच्चे का संस्कार ऐसा है Hmm. ये बच्चा स्कूल में झगड़ा करेगा ये वाला बच्चा मार खा लेगा सपोज जो आपने कहा एग्जाम्पल hmm. कि एक बहुत चुप है उसके ऊपर दूसरे लोग ओवर पावर हो जाएंगे एक थोड़ा सा अग्रेसिव है वो दूसरों पर ओवर इट इज ट्रू बट इट इज़ ट्रू राइट नाउ, राइट नाउ, वो उन आत्माओं का संस्कार इस क्षण है जीवन भर नहीं और क्या क्या करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब हम वो इन्फॉर्मेशन सुनते हैं और फिर हम उसको अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं क्योंकि हमें उन्होंने कहा ये बच्चा ऐसा होगा ये बच्चा ऐसा होगा अब वो ऐसा होगा ऐसा छप जाता है कि ऐसा ही होगा वो हमें ये नहीं कहते कि ये बच्चा इस क्षण ऐसा है अब आप इसको किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं वो कहते हैं ये बच्चा ऐसा है बट मोल्ड कर सकते हैं मोल्ड कर सकते हैं वो कौन बता रहा है वो कहते हैं ये बच्चा ऐसा है हम ये ना, ये हम करेंस अब क्या ना? होगा अगर हम उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ एज इट इज सुनेंगे वो इन्फॉर्मेशन राइट right है लेकिन हमने उसको सिर्फ एज इट इज सुना तो ये घर के सब लोगों का बिलीफ सिस्टम बन जाएगा छप जाएगा अब वो वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट करेंगे घर के सारे लोग ये बच्चा ऐसा है ये बच्चा ऐसा है और सारे मिलके एक बच्चे पे छोटे सी आत्मा पे नई प्योर आत्मा पे एक पॉइंट डालेंगे तो ऐसा बन ही जाएगा वो ऑलरेडी उतना है सपोज सपोज एक बच्चे के अंदर थोड़ा सा अग्रेशन का संस्कार है पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है कोई बात नहीं इतना है अभी अब जब घर के चार पांच लोग ये बिलीफ सिस्टम के ये बच्चे के अंदर अग्रेशन है इसको फिट कर लेंगे अपने अंदर और वो ही सोचेंगे वही बोलेंगे तो रोज़ वो वाइब्रेशन कौन सा मिलने वाला है तो आज उसका अग्रेशन है कल सिर्फ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा परसों और बढ़ जाएगा 20 तीस साल के बाद हम देखेंगे जब वो एक यंग लड़का है बहुत गु़स्से वाला है सब कहेंगे हाँ वो तो उसकी कुंडली में ही लिखा था पंडित जी ने तो पहले दिन ही बताया था पंडित जी ने जो बताया था कुंडली में जो लिखा था वो राइट था लेकिन वो क्या बताया था कि इस बीज के अंदर ये वाला संस्कार है लेकिन अब हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि लेकिन उस आत्मा का ओरिजिनल संस्कार तो प्योरिटी लाइक डॉक्टर दे कि आप मीठा बंद कर दो शायद आपको डायबिटीज हो right, सकती है कल, right. आज से आप, yes. अब अगर हम घर पर ये बिलीफ सिस्टम से चलें ये अग्रेशन का संस्कार है इग्नोर उसके बारे में ना सोचना ना बोलना ना चर्चा कुछ नहीं ये आत्मा एक बहुत प्योर ब्यूटीफुल पीसफुल आत्मा है क्योंकि ओरिजिनली तो वो संस्कार है उसका अब अगर सोचो घर के चार पांच लोग ये थॉट क्रिएट करें ये एक प्योर ब्यूटीफुल पीसफुल आत्मा है सिर्फ वो ही बिलीव करें वो ही सोचें और वो ही बोलें चाहे वो कैसा भी बिहेव कर रहा है हम वो ही सोचें हम वो ही बोलें और वो ही बिलीव करें तो उसका जो अग्रेशन का संस्कार है वो है लेकिन उसका जो पीस और प्योरिटी का संस्कार है वो उन सब की वाइब्रेशंस मिलने से वो ऊपर आ जाएगा दिस इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम चेंज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड में बात करना चाहूँगा बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड Thank you so much. Thank you so much, Mr. Om Shanti. Thank you.